प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते हमीरपुर में वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने हमीर भवन में जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और निर्देश दिए कि हर 15 दिन बाद कोविड-19 संक्रमण संबंधित रिवेन्यू मीटिंग आयोजित की जाए ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। वहीं बैठक के दौरान आगामी दिनों में स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर उठाए जाने वाले एहतियातन कदमों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में विधायक नरेंद्र ठाकुर, डीसी देव श्वेता वनिक, एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन भी मौजूद रहे। राकेश पठानिया ने कहा कि कोरोना के चलते अभी खेल गतिविधियों को सुचारू ढंग से शुरू करने के लिए 6 महीने का और समय लगेगा। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग उचित कदम उठा रहा है। जिले में जो कोविड को लेकर अगले 4-5 दिनों में जो एक्शन प्लान है उसको कैसे डिस्कस करना है और क्या क्या हमने सुविधाएं जो है लोगों को प्रोवाइड करी और हॉस्पिटल में क्या क्या उसके लिए मेरी हमीरपुर लगी है तो हमीरपुर की बैठक लेने में और नरेंद्र ठाकुर जी यहाँ पे आए थे और ये बैठक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ली है और पॉइंट वाइज हमने एक एक पॉइंट को थ्रेश होल्ड वाइज डिस्कस किया है कि कैसे कैसे अवेयरनेस क्योंकि 2 नवंबर से स्कूल भी खुलने वाले हैं और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे अब स्कूल में आना शुरू करेंगे तो इनके लिए क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या SOPs इन प्लेस करेंगे उनको एट लेंथ डिस्कस किया है और इनको सबको इश्योर करें कि हम हर 15 दिन के बाद इसका रिव्यू करेंगे और ये फरवरी तक लगातार ये चलेगा और हर 15 दिन के बाद हम इसका रिव्यू करके इसको फॉलोअप लेंगे। जो जो एक्शन आज हमने डिसाइड किए बहुत सारे इशू डिस्कस किए उनके ऊपर मैं अगर जाना लगूंगा तो बहुत विस्तार से समय लग जाएगा पर एक पूरे हमीरपुर का कोविड का रिव्यू आज हमने यहाँ पे लिया है और उस कोविड के रिव्यू से इस बात को इंश्योर करेंगे कि ये एपिडेमिक फैले ना क्योंकि इस बात का डर है कि सर्दियों में ये बीमारी फैल सकती है और ये बीमारी ना फैले और जो पेशेंट आ रहे हैं और जो होम क्वारंटीन किए जा रहे हैं उनकी क्या क्या सुविधाएं एक जैसे आज हमने निर्णय लिया कि इसमें हम काउंसलिंग ज़्यादा करेंगे उन पेशेंट्स का लगातार एक टीम बन के जैसे उसमें SDM होगा डॉक्टर होगा एक आधा तहसीलदार होगा या BDO होगा वो दिन में 4-5 बार उससे बात करेंगे उसको फॉलोअप करेंगे उसका पूरा प्रोग्रामिंग बनेगा जैसे 10-15 बेड्स जहाँ पे सीरियस पेशेंट आएंगे उनको वीडियो कैमराज के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा उनके पास बेल्स रखी जाएंगी कि एमरजेंसी में उनको किसी चीज़ की जरूरत हो तो तुरंत हमारे अधिकारियों को बुला सके हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोगों को बुला सके। ऐसे कई पॉइंट हमने आज डिस्कस किए विचार डिटेल आपको जो है डिप्टी कमिश्नर से मिल जाएगी। अभी तो केवल गतिविधियां जो हैं वो स्कूल्स को जो है और स्पेशली साइंस क्लासेस जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और वो फोकस जो है वो ज़्यादा उसी पे रहेगा कि जो बच्चे स्कूल्स में आएंगे उनकी जो स्ट्रिक्ट SOPs बनी है वो रहेंगी। जहाँ तक जो आपने PTAs की बात की विस्तार से सारी चीज़ों को भरने का व्यवस्था की जा रही है किसी किस्म की भी कमी ना रहे। स्पोर्ट्स के बारे में अभी भी लगता है मुझे कि 6 महीने तक एक्टिवली हम पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। प्रदेश के सिंथेटिक ट्रैकों की बदतर हालत पर खेल मंत्री पठानिया ने कहा कि इस बारे में धर्मशाला में आगामी दिनों में बैठक का आयोजन होगा जिसमें इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग आउटसोर्सेस पर कोचेस को तैनात करने के बारे में विचार कर रहा है। धर्मशाला में रखी है और इसको हम फेडरेशन को हैंडओवर करने का विचार कर रहे हैं। एथलेटिक फेडरेशन के माध्यम से आउटसोर्स में कोचेस को रख के उसको फिर से ठीक तरीके से रन करेंगे। प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभाग के द्वारा विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि वन विभाग ने जोत चंबा जिला में और मंडी के पराशर में साइट्स चिन्हित करके टूरिज्म के मद्देनजर काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 7 अन्य स्थानों को भी टूरिज्म की दृष्टि से उभारने के लिए प्रयास जारी है। टूरिज्म और इको टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़े विस्तार से कल भी इसकी 3 बैठकें हुई है। फिलहाल हमने 2 साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसपे काम शुरू कर दिया हमने। एक जोत में किया है हमने चंबा में और एक पराशर में किया है। इसके अलावा हमने 7 साइट्स और भी आइडेंटिफाई करनी है उसका काम चल रहा है।